Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. Welcome to today's lecture. In this lecture, we will discuss human resource management. हमारे इस वीक का एजेंडा क्या है? First of all, हम देखेंगे कि human resource management क्या है, इसका हम मॉडल डिस्कस करेंगे. इसके बाद हम देखेंगे ट्रेनिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क ब्रीफली. सो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री वर्ड्स, ह्यूमन रिसोर्स एंड मैनेजमेंट. जब भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात हो, ह्यूमन रिसोर्स को हम कलेक्टिवली देखते हैं. और ह्यूमन रिसोर्स क्या है? एज द नेम सजेस्ट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या फिर ह्यूमन रिसोर्स क्या है, बेसिकली इज द मैनेजमेंट ऑफ एम्प्लॉयज. ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स क्या है? कोई भी पर्सन जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, वो बेशक जिस भी लेवल का है, वो आपका पीएन है, आपका एडमिन में बैठा कोई पर्सन है, अकाउंट ऑफिस में बैठा कोई पर्सन है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी पर्सन काम कर रहे हैं, वो आपके क्या है? ह्यूमन रिसोर्स है. और बात जब हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की करें, तो बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है? इज द मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स. ठीक है, तो हमने मैनेजमेंट में हमने क्या देखना होता है कि हमने ह्यूमन रिसोर्स को ऐसे मैनेज करना होता है कि जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव हो जाए. ठीक है, तो आपकी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है? इज द मैनेजमेंट ऑफ एम्प्लॉयज. ठीक है, आपने एम्प्लॉयज की मैनेजमेंट ऐसे करनी है कि उसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो मैक्सिमाइज हो जाए, क्योंकि उसकी जो परफॉर्मेंस होती है वही आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव होती है उसको अचीव करने में कंट्रीब्यूट कर रही होती है. ठीक है, तो इसके बाद अगर हम बात करें तो हर ऑर्गेनाइजेशन का एक विजन होता है. ठीक है, उसका एक फोकस होता है. वो ये चाहती है, हर ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती है कि उसका जो ऑब्जेक्टिव है, जो उसने अपना गोल अचीव करना है, उसके एम्प्लॉयज उस पर फोकस रहे. तो ऐसा कब होगा? जब आपने उसकी मैनेजमेंट अच्छे से की होगी. हमने मैनेजमेंट का टॉपिक पहले देखा कि आपके आपका जो बिजनेस है वो उस वक्त तक एस्टेब्लिश नहीं हो सकता जब तक उसकी मैनेजमेंट साउंड ना हो. तो अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में क्या है कि आपने सिर्फ लोगों को मैनेज ही नहीं करना होता, बल्कि उसकी बाकी जितनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं आपने वो भी पूरी करनी होती है. अगर उनको ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है, अगर आपकी कोई कंपनी है जिसमें आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो उसमें डेवलपमेंट से रिगार्डिंग आपको जितने भी रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, ये सारे आपके किस में आ जाते हैं? ह्यूमन रिसोर्स में आ जाते हैं. तो इन सारी चीजों के मैनेजमेंट आपकी बेसिकली क्या कहलाती है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. अगर हम मॉडल को डिस्कस करने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके माइंड में होने चाहिए. सबसे पहला पॉइंट क्या है कि जो आपके एम्प्लॉयज हैं उनकी कमिटमेंट होनी चाहिए कि उन्होंने उनका जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको उन्होंने ऑनेस्टली पूरा करना है. ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है कि बेशक जो आपके एम्प्लॉयज हैं, जो आपका ह्यूमन रिसोर्स है, उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता है ये नहीं पता, लेकिन फिर भी क्या करना है? उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना है. ठीक है, उसको अपने काम का पता है या उसको अपनी सिचुएशन का पता है या अपने लेवल का उसको पता है ये नहीं पता, लेकिन फिर भी जो भी उसको काम दिया गया है उसने वो काम करना है. थर्ड पॉइंट क्या है कि जो आपके ह्यूमन रिसोर्स है उसको उसने मैक्सिमम यूटिलाइज करना है, क्योंकि जब आप अपने रिसोर्स को मैक्सिमम यूटिलाइज नहीं करेंगे तो जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो आप सक्सेसफुली अचीव नहीं कर सकते. इसके बाद अगर हम इसके सेलियंट फीचर्स की बात करें, इसके कुछ सेलियंट फीचर्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि जो इसका पहला फीचर है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक एंड प्रोएक्टिव इन स्टाइल. अब लॉन्ग टर्म की बात अगर हम करें तो लॉन्ग टर्म में क्या है कि वो आपकी जो प्लानिंग है जो आपने फ्यूचर्स के लिए की होती है. ठीक है, आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग, इनके लंबे अरसे के लिए जो प्लानिंग होती है. अब आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग को आप कैसे अचीव कर सकते हैं? जब आपकी अप्रोचेस स्ट्रेटेजिक होंगी और आपका जो स्टाइल होगा वो प्रोएक्टिव होगा. ठीक है, प्रोएक्टिव स्टाइल का मतलब क्या होता है कि आप सिचुएशन को कंट्रोल करते हैं. इंस्टेड आप क्या, आपकी कोई सिचुएशन ऑकवर्ड होती है आप उसको रिस्पॉन्स करते हैं. प्रोएक्टिव क्या होता है कि आपने सिचुएशन को कंट्रोल करना होता है. ठीक है, तो कोई भी आपकी प्रॉब्लम है वो ऑकवर्ड होगी तो आपने उसको एक डिसिप्लिन अप्रोच में कंट्रोल करना है. और बेसिकली यहां पर पर्सोनियल का वर्ड लिखा हुआ है. पर्सोनियल क्या है? आप इसको मैन पावर भी कह सकते हैं. कोई भी आपकी प्रॉब्लम ऑकवर्ड होती है उसको आपने डिसिप्लिन अप्रोच में उसको सॉल्व करना है. उसके लिए आपने पॉलिसीज बनानी है. ठीक है, आपने ये देखना है कि आपको कितने नंबर ऑफ स्टाफ जो है वो रिक्वायर्ड हैं. उसके बाद आपने आपके पास प्रॉपर स्ट्रेटजीज होनी चाहिए. ठीक है, आप ताकि आप जो आपकी मैन पावर है उसको आप मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकें. इसके बाद अगर हम देखें तो सिर्फ आपने, मैंने पहले भी यहाँ पर एक पॉइंट मेंशन किया है
आपने रिसोर्सेज को सिर्फ मैनेज ही नहीं करना, बल्कि आपने उसको, अगर उनको ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है तो आपने उनको प्रॉपर ट्रेनिंग भी देनी है, ठीक है। उसके बाद जो आपको फ्यूचर, ठीक है, जो आपके पास फ्यूचर में आपको कहाँ मिल रहा है, फ्यूचर में आपके पास कोई, आपके पास प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, उसके लिए अगर आपको कोई स्टाफ जो है वो नीड है, स्टाफ की जरूरत है, तो ये आपका किस पर डिपेंड कर रहा होगा, जो आपका कस्टमर है उसकी जो डिमांड है, ठीक है, इस पर डिपेंड कर रहा होगा। तो ये सारी चीजें जो है वो बेसिकली हम इस फ्यूचर में देखते हैं। सबसे पहले हम मैन पावर देखते हैं, फिर हम ये देखते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम आकर होती है तो उसको आपने कैसे सोल्व करना होता है, इसके लिए पॉलिसीज क्या होती हैं, उसके बाद आपने, आपको कितने नंबर ऑफ स्टाफ जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं कोई भी काम पूरा करने के लिए, ठीक है। उसके बाद जो आपकी मैन पावर होती है उसको आपने मैक्सिमम यूटिलाइज करना होता है। उसके बाद अगर आपके जो एम्प्लॉयज हैं उनको ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है तो आपने उनको ट्रेनिंग भी देनी है। इसके बाद क्या है कि आपको अगर फ्यूचर पे कोई और जरूरत पड़ गई है कि आपने नए एम्प्लॉयज जो है वो हायर करने हैं, तो ये बेसिकली किस पर डिपेंड कर रहा होता है, आपकी एक्सपेक्टेड डिमांड पे डिपेंड कर रहा होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट हमारा क्या है, कमिटमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो कमिटमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम देखें तो जो चैलेंज है विद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसमें बेसिकली चैलेंज आपका क्या होता है कि आपने अपने एम्प्लॉय का बिहेवियर चेंज करना है, उसकी उसकी थिंकिंग चेंज करनी होती है, आपने उसकी एटीट्यूड चेंज करना होता है कि वो अपना कंट्रोल उस एनवायरमेंट में शिफ्ट करे जो आप एनवायरमेंट उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके बाद आपने उसको एक ऐसा एनवायरमेंट देना होता है कि जो जितने भी आपके एम्प्लॉयज हैं वो फील करें कि जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ठीक है, उनको उन्होंने एज अ मॉरल ऑब्लिगेशन लेना है। इंस्टेड आपके, आपने उन पे ऑर्डर दिया, आपने उनको ऑर्डर दिए, आपने थोप दिया और उन्होंने वो काम करना ही करना है, बेशक वो जिस भी सिचुएशन में है, ना चाहते हुए भी उन्होंने वो काम करना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपने वहां का ऐसा एनवायरमेंट बनाना है कि जो आपके एम्प्लॉयज हैं उनको ये लगे कि जो उनका काम है वो एक क्या है, एज अ मॉरल ऑब्लिगेशन उसको लें, इंस्टेड आपके वो उसको आप एक ऑर्डर समझ के काम करें। इसके अगर आपका कोई एम्प्लॉय जो है वो सेल्फ कमिटेड होगा तो इस चीज को आप जज कर सकते हैं। आप कैसे जज कर सकते हैं, आप अपनी फर्म की स्किल्स के थ्रू, ठीक है। अब इस चीज को आप कैसे जज किया जा सकता है, आप फर्म की स्किल्स क्या हो सकती हैं, अगर हम विद रिस्पेक्ट टू सेल्फ कमिटमेंट देखें तो हम इसकी क्या हो सकती है, उसके हम अटेंडेंस देख सकते हैं, उसके ये चेक किया जा सकता है कि हाउ डिसिप्लिन दे आर, हाउ रिस्पॉन्सिबल दे आर, एंड अबव ऑल व्हाट दे आर वर्किंग, ये सारे फीचर्स जो हैं इसको हम देखते हुए हम क्या कर सकते हैं। अगर आप इन सारी चीजों को मैनेज नहीं करेंगे, बेसिकली इन सारी चीजों को मैनेज करना क्या है, एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक चैलेंज है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेल्फ मैनेजमेंट की, तो अगर हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करें तो उसमें क्या होता है, बेसिकली टीम वर्किंग इज अ वाइटल एलिमेंट, ठीक है। इंडिविजुअल आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपके पास एक प्रोजेक्ट है, अगर आप ये चाह रहे हैं कि एक पर्सन उस पर काम करके उसको बनाने का, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। उसके बाद आपके जो मैनेजर्स हैं या वर्कर्स हैं, ठीक है, उनके दरमियान जो डिस्कशन है या कॉन्टेक्ट है उनका, वो फेस टू फेस होना चाहिए। ये चीजें क्या करती हैं, ये आपके जो एम्प्लॉयज हैं उनको मोटिवेट करती हैं, ठीक है। इसके बाद आपका जो वर्कर है आपने उसको एंगेज करना है अपने वर्क में, कि वो आप ऐसा ऐसे पार्टिसिपेट करे जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि जो आपका गोल है, ठीक है, बेशक वो लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, वो हाई क्वालिटी का अचीव हो। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहां पर क्या है कि जो आपका एम्प्लॉय है उसकी मोटिवेशन, उसकी सेल्फ मैनेजमेंट जो है वो हाई होनी चाहिए, ठीक है। वो कैसे हाई होगी, जब आप एक टीम में वर्क करेंगे, ठीक है। कोई भी अगर आपने इंडिविजुअली, एक जो एम्प्लॉय होता है उसके पास इतना नॉलेज नहीं होता, अगर वो एक टीम के तौर पर वो काम करेंगे तो ये बेस्ट होगा। नेक्स्ट अगर हम देखें यूनिटरी पर्सपेक्टिव को, अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है, अगर हम यूनिटरी पर्सपेक्टिव में देखें तो इसमें क्या है कि फोकस ऑफ लॉयलिटी है एंड फोकस ऑफ अथॉरिटी है। फोकस ऑफ लॉयलिटी जो होती है वो बेसिकली किससे एक्सपेक्ट की जा रही होती है, एम्प्लॉय से, एंड फोकस ऑफ अथॉरिटी आपकी एम्प्लॉयर से जो है वो एक्सपेक्ट की जा रही होती है। अब एम्प्लॉयर की डिमांड क्या होती है, वो लॉयलिटी जो है वो डिमांड कर रहा होता है, किससे डिमांड कर रहा होता है, एम्प्लॉय से डिमांड कर रहा होता है। और आपका जो एम्प्लॉय है वो उस वक्त तक अपनी लॉयलिटी शो नहीं कर सकता जब तक आपने उसके उसको प्रॉपर पॉलिसीज नहीं बना के देनी, ठीक है। प्रॉपर आपने उसके लिए आपने प्रोसीजर्स नहीं बताने, आपने उसको टूल्स वगैरह रिसोर्सेज नहीं प्रोवाइड करने। इसके बाद क्या है कि जो आपका हर वर्कर है उसको ये फील होना चाहिए कि वो मोटिवेटेड है, ठीक है,
और वो वर्क कर रहा है प्रमोशन के लिए, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको सैलरी जो है वो रेज करनी चाहिए आपका, जो अगर आपका वीकली बेसिस पर होता नहीं है, बेसिकली जो भी आपका क्राइटेरिया है वेजेस का, वेजेस है या मंथली बेसिस पर आप सैलरी दे रहे हैं, आपने उसको मेंटेन करना है। उसके बाद आपने इंक्रीमेंट्स, अगर आपकी पॉलिसीज में अगर इंक्रीमेंट्स हैं तो वो भी आपने टाइमली अपने एम्प्लॉय को देने होते हैं। और जो वर्कर है उसको ग्रो अप होना चाहिए हायरार्की के साथ, ठीक है, ताकि वो अपने सीनियर पोजीशन को गेट कर सके। और सीनियर पोजीशन जो है उसको, उसके जो सीनियर पोजीशन है वो किस पर डिपेंड होनी चाहिए? उसके काम पर डिपेंड होनी चाहिए, उसके मैनेजर पर डिपेंड नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम देखें, हमारा लास्ट जो फीचर है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ये बेसिकली इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपकी जो एम्प्लॉय की एफिशिएंसी होती है उसको आप मेजर नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं होता कि जो एक एम्प्लॉय है वो मल्टीपल आवर्स के लिए एक कंप्यूटर के सामने बैठ के काम करता रहे, ठीक है, या एक ही एनवायरमेंट के अंदर एक ही जगह पर वो बैठ के काम करता रहे। तो जो आपकी एम्प्लॉय की एफिशिएंसी होती है, ठीक है, या उसकी जो वर्किंग कैपेबिलिटी होती है उसको आप ऐसे मेजर नहीं कर सकते। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको अपने जो एम्प्लॉय है उसको कुछ ऑनलाइन फैसिलिटीज भी देनी चाहिए, ताकि रिसर्च बेसिकली ये कहती है कि आप अपने एम्प्लॉयज को ऑनलाइन फैसिलिटीज दें, ताकि जो उसको काम दिया जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू आपने जो भी उसको काम दिया है और उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसकी जो वर्किंग कैपेबिलिटीज हैं, उसको आप चेक कर सकें। बेसिकली ये बहुत डिफिकल्ट होता है। तो एट द एंड हम क्या देखते हैं, हमारा क्या कंक्लूजन निकलता है कि आपके जो एम्प्लॉय की एक्टिविटीज होती हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, उसको मॉनिटर करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। इसके लिए आपको प्रॉपर मेजरमेंट जो है वो जो आपकी मेजरमेंट अप्रोचेस होती हैं आपको वो चूज करनी चाहिए। अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंसिडरेबल लॉस होगा। नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट हमारा क्या है, ट्रेनिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें हम ये देखते हैं कि जो हमारी यूनिवर्सिटीज होती हैं वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, व्हाट यूनिवर्सिटीज आर प्रोड्यूसिंग एंड व्हाट इंडस्ट्रीज आर एक्सपेक्टिंग, ठीक है। जो हमारी यूनिवर्सिटी प्रोड्यूस कर रही है लेकिन जो हमारी इंडस्ट्री डिमांड कर रही है, इसके दरमियान में क्या है, एक गैप है। हम ये देखते हैं कि जो हर कंप्यूटर साइंस, जो भी आपका कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट होता है वो इज नॉट केपेबल रिक्रूट्स, ठीक है। अब इसमें बेसिकली क्यों आता है, जो आपकी इंडस्ट्रीज है उसकी क्या क्या कंप्लेन है, उसकी ये कंप्लेन होती है कि जो इंडिविजुअल है उसके पास कोई बिजनेस नॉलेज नहीं होता, ठीक है। इंडस्ट्रीज फिर क्या करती है, वो फिर अपनी फील्ड को फोकस करने की बजाय वो आप क्या करती है, वो हायर पीपल को हायर कर लेती है, ठीक है, इनसाइड आपके वो अपने बैकग्राउंड को देखें, ठीक है, और अपने फील्ड से रेलिवेंट और अपने जो आपके फील्ड से रेलिवेंट स्किल्स रखने वाले लोग हैं उनको हायर करें, ऐसा नहीं होता। तो ये जो सिचुएशन है ये बेसिकली एक अलार्मिंग सिचुएशन है। और जो यूनिवर्सिटीज हैं उनको फोकस करना चाहिए, ठीक है, उनको फोकस करना चाहिए ये जो गैप है। यहाँ हमारी यूनिवर्सिटीज में क्या होता है कि हम प्रैक्टिकली स्टूडेंट्स को पढ़ा देते हैं, ठीक है, लेकिन हम थ्योरेटिकली स्टूडेंट्स को पढ़ा देते हैं लेकिन प्रैक्टिकली हम काम नहीं करवाते। तो जब आपने प्रैक्टिकली स्टूडेंट्स को काम नहीं करवाना और जो इंडस्ट्रीज में मेथड्स यूज होते हैं, जो प्रैक्टिस यूज होती हैं, जो वहां पर टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज यूज होते हैं वो टोटली वेरिएट कर रहे होते हैं जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जा रहा होता है। तो यूनिवर्सिटी को इस गैप को मॉनिटर करना चाहिए और इसको मिनिमाइज करने के लिए जितनी कोशिश हो सकती है वो करनी चाहिए। लास्टली हम देखते हैं कि हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क क्या है। जब भी एक पर्सन जो है वो जॉब ढूंढता है या इसको जॉब मिलती है वो ज्वाइन करता है तो उसकी कुछ जरूरियात होती हैं जिसको वो देखता है, ठीक है। सबसे पहले जो उसकी बेसिक नेसेसिटी होती है वो क्या होती है, फूड होती है, कि वो ये जॉब करेगा तो उसको रिटर्न पे क्या मिलेगी, फूड मिलेगी, ठीक है। इसके बाद जो उसकी सेकेंड चीज होती है वो ये देखता है कि यहाँ पर उसको सेफ्टी प्रोवाइड की जा रही है, वो कभी भी ऐसी जगह पर नहीं जाएगा जहां पर उसकी जान को खतरा होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको सेफ्टी किसने प्रोवाइड करनी होती है, एम्प्लॉयर ने देनी होती है, ठीक है। इसके लिए आपके एम्प्लॉयर ने मुनासिब इकदाम करने होते हैं और जो आपका एम्प्लॉय है उसने क्या करना होता है, अकॉर्डिंग टू पॉलिसीज उसने वो
काम अपना करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉयर ने अपने इकदाम उठा लिए हैं लेकिन जो आपका एम्प्लॉय है वो उसको फॉलो ही नहीं कर रहा, तो इसमें जो लॉस है वो ऑब्वियसली एम्प्लॉय का होगा। और क्यों लॉस होगा, इसमें मिस्टेक भी तो उसकी अपनी ही है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो है, आप कोई भी एक एम्प्लॉय है वो एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है, जब वो ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है तो उसको पता होना चाहिए कि उसकी क्या पॉलिसीज हैं। अगर मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन में स्मूथली वर्क करना है तो जो भी उसकी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको आपने फुलफिल करना होता है। ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने देखा कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, और इस जिसमें हमने हमने मॉडल देखा, उसके हमने कुछ फीचर्स देखे, लास्ट पे हमने ट्रेनिंग देखा, और फिर हमने गैप देखा कि यूनिवर्सिटीज़ में और जो हमारी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है उसमें एक गैप है और उसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है, ये हम नेक्स्ट देखेंगे। आई होप आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। चला हम नेक्स्ट वीक में अपना नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।